हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन तो आपने बहुत बार खाए होंगे, जैसे खोया के गुलाब जामुन, सूजी के गुलाब जामुन। तो आज हम बनाएंगे ब्रेड के गुलाब जामुन। ये गुलाब जामुन सॉफ्ट और मुलायम बनते हैं, ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 4 ब्रेड लिए हैं। ब्रेड के पहले हम किनारे को काट कर अलग कर देंगे। ये ब्रेड का थोड़ा सख्त भाग होता है, इसलिए इसे हम काट कर अलग कर देंगे। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें ब्रेड के बीच वाले भाग का ही उपयोग करना है। इसी तरह हम सारी ब्रेड की किनारे को काट कर अलग करेंगे। ये किनारे आप बाद में इस प्रयोग में ले सकते हैं, इसे फेंकना नहीं, इसे एक डिब्बे में डालकर रख सकते हैं। अब ब्रेड को हम एक बर्तन में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर डालेंगे। अगर आप चाहे तो ब्रेड को मिक्सी जार में डालकर इसका पाउडर बनाकर फिर डो तैयार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ब्रेड को तोड़कर ही इसका डो तैयार करेंगे। अब यहाँ पर हमने एक कटोरी दूध लिया है। पहले हम 4 चम्मच ब्रेड में दूध ऐड करेंगे। दूध हमने फुल क्रीम वाला लिया है। दूध को और ब्रेड को पहले अच्छे से मैश करेंगे। पहले हमने 4 चम्मच दूध ऐड किया है, अब हम 2 चम्मच और दूध डालेंगे। अब इसे अच्छे से गूंथ कर तैयार कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपका डो थोड़ा सख्त है तो आप इसमें 1 चम्मच दूध और ऐड कर सकते हैं। अब हमारा डो तैयार है। अब हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी चीनी ली है। तो 1 कटोरी चीनी ली है तो इसका हमने 1.5 गुना इसमें पानी डाला है। जब तक चीनी अच्छे से पानी में मेल्ट ना हो जाए तब तक इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। इसे हमें कंटिन्यू चलाना है। इसे हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक इसमें अच्छे से उबाल आने न लगे या हमारी चाशनी बनकर तैयार ना हो, तब तक हम इसे चलाएंगे। हमें गुलाब जामुन के लिए 1 तार की चाशनी चाहिए। जब तक हमारी चाशनी बन रही है तब तक हम गुलाब जामुन को तलकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़े से छोटे छोटे टुकड़ों में डो को तोड़कर पहले इसकी बॉल्स बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से सारी बॉल हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे बॉल बना रहे हैं। आप चाहे तो बड़े बड़े बॉल भी बना सकते हैं। तो हमने 4 ब्रेड ली थी तो उसके हमने 8 गुलाब जामुन बनाए। चाशनी भी देखो बनकर तैयार हो रही है। अब हम घी गरम कर लेते हैं। इसमें हम पहले छोटी सी बॉल डालेंगे। देखिए घी अच्छे से गरम हो चुका है और इसे हम एक बार अच्छे से पकाएंगे। अब इसमें हम सारे गुलाब जामुन डाल देंगे। गैस हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। 1 तरफ पकने के बाद इसे हम दूसरी तरफ पकाएंगे। दूसरी तरफ पकने के बाद इसे हम लगातार चलाकर पकाएंगे, जिससे कि गुलाब जामुन चारों तरफ अच्छे से पक जाए। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। देखिए कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। बहुत ही अच्छे गुलाब जामुन बने हैं। जब गुलाब जामुन पकने लगते हैं तो इसकी बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। और हमारे गुलाब जामुन भी पक चुके हैं तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। प्लेट में निकालने के बाद इसे हम गर्मा गर्म चाशनी में डालेंगे। यहाँ पर हमें गुलाब जामुन के लिए 1 तार की चाशनी चाहिए। तो 1 तार की चाशनी हमारी बन चुकी है। अब इसमें हम गर्मा गर्म गुलाब जामुन डाल देंगे। गुलाब जामुन डालने के बाद इसमें हम एक अच्छा सा उबाल लेंगे, जिससे क्या होगा कि चाशनी गुलाब जामुन के भीतर तक समा जाएगी और बहुत ही रस भरी गुलाब जामुन बनेगी। बहुत ही मीठी रस भरी गुलाब जामुन बनके तैयार है। आप इसे किसी भी त्यौहार या अवसर पर बना सकते हैं। ये गुलाब जामुन बहुत ही बढ़िया लगते हैं, खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाना और बताना कि कैसे बने गुलाब जामुन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।